फाइनली फाइनली टेन और बाइजिन की कहानी का फाइनल भाग आ चुका है और आप सब तो जरूर एक्साइटेड होंगे। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज टेन और बाइजिन की कहानी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टेन लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन की किताबों के बीच बैठा हुआ है। टेन के आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके हैं और टेन इतनी सारी मेडिसिन की किताबों में हेवन जड़ी बूटी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, पर टेन को ना ही पता चलता है कि हेवन जड़ी बूटी कहाँ मिलता है और ना ही ये पता चलता है कि हेवन जड़ी बूटी दिखने में कैसा है। टेन तब परेशान होकर अपना सर पकड़ लेता है। टेन सोचने लगता है कि टेन को क्या करना चाहिए। उसी वक्त टेन के पास आता है टेन का दोस्त, वही येलो बिंदी वाला आदमी। वो आकर टेन से कहता है, टेन तुम पिछले आधे महीने से इसी लाइब्रेरी के अंदर हो, तुम कब तक इन किताबों के बीच ऐसे ही बैठे रहोगे? टेन, बड़े भैया बाइजिन तुम्हें बुला रहे हैं। वो अपने साथ कपड़ा लेकर आए हैं। वो चाहते है कि तुम जाकर कपड़े को ट्राई करो, तो तुम उनके पास अब जाओ। तब टेन कहता है, पर मैंने तो बाइजिन से आराम करने के लिए कहा था, बाइजिन अपने कमरे से बाहर क्यों निकला? इस आदमी के इन्हीं हरकतों के कारण मेरा फिकर उसके प्रति कम नहीं होता। तब येलो बिंदु वाला आदमी कहने लगता है कि टेन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। असल में बड़े भैया बाइजिन को ना, और अगले दिन में हम देखते है कि टेन येलो बिंदु वाला आदमी का बात पूरा होने से पहले ही टेन दौड़ कर बाइजिन के कमरे में चला आता है, ये पूछते हुए कि बाइजिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? टेन बाइजिन के कमरे में आकर देखता है बाइजिन अपना नया शादी का जोड़ा ट्राई कर रहा था। बाइजिन टेन को देखकर कहता है, टेन तुम आ गए, मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, जाओ जाकर तुम भी ट्राई कर लो। टेन बाइजिन को दुल्हा के लिबास में देखकर देखता रह जाता है। फिर टेन बाइजिन के नजदीक आकर कहता है, बाइजिन मैंने तो तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, और बाइजिन अगर तुम्हें मुझसे शादी ही करना है तो पहले तुम मुझसे पूछ तो लेते। तब बाइजिन कहता है, टेन तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ? टेन चौंककर पूछता है, तो फिर तुम किससे शादी करना चाहते हो? बाइजिन टेन के माथे में किस करता हुआ कहता है, मैं तो मेरा सुंदर ताकतवर पत्नी से शादी कर रहा हूँ। टेन पहले तो खुश हो जाता है, फिर चौंककर सोचता है, ये मुझे हमेशा बॉटम क्यों बनाता है? फिर टेन बाइजिन से कहने लगता है, देखो बाइजिन एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम इन सारी चीजों को करने के बारे में बात करेंगे। टेन यहाँ अपनी शादी के बारे में बात कर रहा है। खैर बाइजिन टेन से कहता है, टेन मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मुझे हेवन जड़ी बूटी मिल गया है। ये सुनकर टेन चौंककर पूछने लगता है कि क्या कहा तुमने, तुमको हेवन जड़ी बूटी मिल गया? मैं इतने दिनों से लाइब्रेरी में हेवन जड़ी बूटी के बारे में ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, मुझे तो घंटा कुछ नहीं पता चला, तो फिर तुम्हें हेवन जड़ी बूटी कैसे मिल गया और कब? तब टेन और बाइजिन के पास आते हैं मास्टर होंग। मास्टर होंग टेन से कहते हैं, टेन बाइजिन सही कह रहा है, उसे मैंने ही हेवन जड़ी बूटी ला कर दिया है। टेन चौंककर पूछता है, मास्टर आप? मास्टर होंग कहते हैं कि इस बारे में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर मास्टर होंग बताने लगते हैं कि जब मास्टर होंग पाताल लोक से वापस आ रहे थे, तब उन्हें जंगली बिस्ट के कुछ बच्चे दिखाई दिए। मास्टर होंग उन बच्चों को देखकर रुक जाते हैं। तब मास्टर होंग को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मास्टर होंग जैसे ही अपने पीछे मुड़ते है, मास्टर होंग देखते है कि एक आदमी के साये को, जो मास्टर होंग को देखते ही तुरंत जाता है। मास्टर होंग भी जैसे ही उस आदमी का पीछा करने वाले होते हैं, मास्टर होंग की नजर एक चमकीली चीज के ऊपर पड़ता है। मास्टर होंग जब उस चमकीली चीज को गौर से देखते हैं, मास्टर होंग को पता चलता है कि वो चमकीली चीज असल में हेवन जड़ी बूटी है। मास्टर होंग टेन से कहते हैं कि मास्टर होंग को ऐसा लगता है, मास्टर होंग ने जिस आदमी के साये को देखा था, उस आदमी ने असल में जानबूझकर हेवन जड़ी बूटी मास्टर होंग के सामने रख कर चला गया। मास्टर होंग कहते हैं कि मास्टर होंग को नहीं पता कि वो आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया होगा। तब टेन मास्टर होंग से पूछने लगता है कि मास्टर होंग किसी को भी नहीं पता कि हेवन जड़ी बूटी दिखने में कैसा है, तो फिर आपको कैसे पता चल गया कि वो चमकीला चीज हेवन जड़ी बूटी है?
मास्टर होंग जवाब देते हैं कि उन्हें भी शुरू शुरू में नहीं पता था कि ये चमकीला चीज है क्या। ये चमक रहा था इसलिए मास्टर होंग अपने साथ उठा ले आए। पर अब जब मास्टर होंग को बाइजीन के हालात और हेवन जड़ीबूटी के बारे में पता चलता है तो मास्टर होंग उस चमकीले चीज को ले जाकर रूलेन से टेस्ट करवाते है, जिससे रूलेन ने बताया है कि ये चमकीला जड़ीबूटी असल में हेवन जड़ीबूटी है। उसके बाद मास्टर होंग टेन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि फिकर की कोई बात नहीं, हेवन जड़ीबूटी से बाइजीन के ऊपर रूलेन ने पहले ही टेस्ट कर लिया है, जिससे पता चलता है कि हेवन जड़ीबूटी बाइजीन के ऊपर असर करता है। इसका मतलब ये चमकीली जड़ीबूटी वाकई में हेवन जड़ीबूटी है और रूलेन आज से ही हेवन जड़ीबूटी से बाइजीन के ऊपर इलाज करना शुरू कर देगा। अब बस हेवन जड़ीबूटी के इलाज और समय के साथ बाइजीन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे अब बस आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ हम बाइजीन को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा था कि एक आदमी ने जानबूझकर हेवन जड़ीबूटी मेरे लिए मास्टर होंग के सामने रखकर चला गया। तब बाइजीन को फ्लैशबैक आने लगते हैं, जब टेन और बाइजीन लाइलैंड के सिल के अंदर से बाहर निकल रहे थे तब बाइजीन को अचानक अपने अंदर हल्का महसूस होने लगता है। बाइजीन तब अपने अंदर जिन को महसूस नहीं कर पा रहा था और उसी वक्त हमें एक आदमी के साए को दिखाया जाता है जो लुक वाइज मतलब कटकाठी से बाइजीन की तरह दिखाई दे रहा था। उसका शक्ल तो हमें दिखाया नहीं जाता पर हम देखते हैं कि वो आदमी दौड़ता हुआ लाइलैंड के सिल के अंदर चला जाता है। आते हैं बाइजीन की ओर। बाइजीन तब मन ही मन सोच रहा था कि क्या वो आदमी कहीं वही तो नहीं। उसके बाद हम टेन को देखते हैं, जो अपना शादी का जोड़ा ट्राई करके बाइजीन से कह रहा था कि बताओ तुम्हारा पति कैसा लग रहा है। बाइजीन तब टेन को हक करता हुआ कहता है कि मेरा पति तो हमेशा ही सुंदर लगता है, पर शादी के जोड़े में कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। टेन कहता है कि तुम दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो, क्योंकि ये सारी बातें बाइजीन मास्टर होंग के सामने कह रहा था। खैर बाइजीन तब टेन को बताने लगता है कि टेन ने शादी का जोड़ा ठीक से नहीं पहना। बाइजीन पूछता है कि क्या बाइजीन टेन को शादी का जोड़ा ठीक से पहनाने में मदद कर दे। टेन कहता है ठीक है। अगला सीन और एक महीने बाद का है। आज टेन और बाइजीन की शादी का दिन है। हमें बताया जाता है टेन द डिमोन किंग ने बहुत सारी नियमों को बदला है। पहला तो वही डिमोन किंग को 100 सालों तक शादी ना करने की नियम, और दूसरा टेन ने एक ट्रिटी तैयार किया है जहां राक्षस कल्टीवेटर और न्याय के कल्टीवेटर ने साइन की है। और इस ट्रिटी में है राक्षस कल्टीवेटरों की दुनिया और न्याय के कल्टीवेटरों की दुनिया, दोनों दुनिया फालतू के लड़ाई झगड़ा ना करके आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का मदद करते हुए शांति से रहेंगे और आपस में हमेशा तालमेल बनाकर रखेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टेन और बाइजीन की शादी का तैयारी धूमधाम से हुआ है। सारे मेहमान सारे रिश्तेदार टेन और बाइजीन के शादी में आ चुके हैं और टेन के चारों दोस्त टेन और बाइजीन के शादी का सारा काम वो चारों बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे है। तब हंटर वाली लड़की कहने लगती है कि टेन और बाइजीन की शादी का सारा काम हमें ही क्यों करना पड़ रहा है। तब मार्क्स वाला लड़का, उसे आज हम पहली बार बिना मार्क्स के देखते हैं, तो मार्क्स वाला लड़का उसे समझाते हुए कहता है कि हम टेन के दोस्त थे इसलिए हमें टेन और बाइजीन की शादी में टेन का मदद करना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। उसके बाद हम देखते हैं टेन और बाइजीन के शादी में रिपोर्टर भी आ चुकी है जो कल्टीवेशन की दुनिया को टेन और बाइजीन की शादी लाइव दिखा रही है। रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करते हुए कहती है कि ये वही शादी का मंडप है जहां एक साल पहले टेन अपने छोटे से बेटे के साथ अपने ही पति की शादी को रुकवाने के लिए आया था। उस समय हम सब कितना चौंक गए थे। और एक आज का दिन है जहां टेन अपने छोटे से बेटे के साथ अपने ही पति के साथ शादी कर रहा है और हम सबको टेन और बाइजीन के शादी के इस खुशी के पल में शामिल होना चाहिए। उसके बाद हम बाइजीन के पिताजी माताजी चिनबी और जाओडाओ को देखते हैं, जहां बाइजीन के पिताजी कहते हैं आज शादी में कितने सारे लोग आए हैं। जाओडाओ कहता है कि ऑफ कोर्स शादी किसका है, एक जो राक्षसों का महाराज है और दूसरा जो न्याय के कल्टीवेटरों का होने वाला मुखिया, तो इतने सारे लोगों का आना तो बनता है। तब बाइजीन के पिताजी कहते हैं कि अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर। उसके बाद शादी के मंडप में एंट्री होता है
प्लान बाजिन और डोडो का। डोडो फूल बरसाते हुए अपने डाडा और पप्पा को शादी के मंडप तक लेकर आ रहा था। तब टैन और बाजिन को देखकर सारे मेहमान तारीफ करने लगते हैं। कोई कहने लगता है कि टैन दूल्हे के लिबास में कितना हैंडसम लग रहा है, तो कोई और कह रहा था कि बाजिन भी दूल्हे के लिबास में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तब डोडो सबसे कहने लगता है, यहाँ सबसे ज्यादा हैंडसम मैं ही हूँ, तो मेरा भी तारीफ कर लो। मेहमान टैन बाजिन और डोडो को एक साथ देखकर कहने लगते हैं कि ये तीनों कितना प्यारे लग रहे हैं, और टैन और बाजिन से कहने लगते हैं कि इनकी जोड़ी तो रब ने बना दी जोड़ी है। उसके बाद मेहमान आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ कोई कहता है कि मैंने सुना है बाजिन आगे जाकर न्याय के कांटे बटोरों का मुखिया बनेगा, तो कोई कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे न्याय के कांटे बटोर राक्षसी दुनिया में जाकर रहने लगेंगे, तो कोई कहता है कि तैन तो पहले से ही डिमोन किंग है, तो क्या हम ये समझ ले कि आज शादी में तैन ही दूल्हा है। तब जीहो तैन का टांग खिंचाई करते हुए सारे लोगों से कहने लगता है कि तुम सब एक नंबर के बेवकूफ हो, तैन जितना भी डिमोन किंग बन जाए, आखिर में तैन बाजिन का दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन ही बनना पड़ेगा, और तैन को आखिर में बाजिन का हर एक बात मानना पड़ेगा, है ना तैन। तब सारे लोग कहने लगते है कि हा हा, जीहो के बात में दम तो है। तैन को तब गुस्सा आने लगता है, तैन बाजिन से कहता है रुको, और बहुत ही गुस्से में कहने लगता है शादी का रस्म शुरू होने से पहले हमें इस चीज का डिसीजन अभी ही लेना होगा, तो फिर बताओ कि हमारे परिवार का मुखिया कौन होगा हमारे घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बाजिन कहता है ऑफ कोर्स तुम। तैन पूछता है तो फिर बताओ कौन होगा बाहर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बाजिन फिर से कहता है ऑफ कोर्स तुम। तैन पूछता है तो फिर तुम क्या करोगे। तब बाजिन यहाँ अपना कुछ अलग ही फिलोसफी सुनाने लगता है। बाजिन कहता है कि घर में जो सबसे शॉर्ट होता है उसे ही घर का और बाहर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना चाहिए। ये सुनकर तैन को हंसी आ जाती है और तैन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तब डोडो अपने डाडा और पापा से कहता है कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो घर में सबसे ज्यादा शॉर्ट तो मैं ही हूँ। ये सुनकर शादी में जितने भी मेहमान आए हैं उन सबको हंसी आ जाती है और तैन को शर्म। तैन डोडो से कहता है कि मेरे छोटे से बेवकूफ लड़के। उसके बाद तैन और बाजिन का शुभ विवाह हो जाता है, और दूसरी तरफ हमें लाइलाइन के सिल के अंदर का नजारा दिखाया जाता है, जहां गुफा के अंदर जूनियर चैन और मू अपने जादू के जरिए तैन और बाजिन की शादी का नजारा देखने लगते हैं। तब जूनियर चैन कहता है कि आखिरकार बड़े भैया बाजिन और मेरे सीनियर तैन का शादी हो चुका है, मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मुंह तब जूनियर चैन से कहता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब हम भी इसी तरीके से धूमधाम से शादी करेंगे। तब जूनियर चैन कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मुंह तब जूनियर चैन के साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। उसी वक्त उन दोनों को बहुत ही जोरदार तरीके से झगड़े का आवाज सुनाई देता है, क्योंकि लियू और वेन उन दोनों के सामने खतरनाक तरीके से झगड़ा कर रहे थे, जहां लियू वेन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि हटो यहाँ से, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो। तब वेन कहता है कि क्या तुम एक ही बात कहे कहे के उपनी गए हो, और मैंने भी तो तुमको कितनी बार कहा है कि जब दो लोगों का रोमांस करने का मूड हो तब उन दोनों के सामने खड़े मत रहो, चलो हम दोनों बाहर जाकर मजे करते हैं। लियो गुस्से में कहता है कि तुम निकलो यहाँ से। तब जूनियर चैन पूछने लगता है कि ये दोनों तो इधर है, तो फिर स्नो चीता कहा गया वो किधर है। उसके बाद हमें स्नो चीते को दिखाया जाता है। स्नो चीता दबे पाव लाइलाइन के सिलके और अंदर चला आता है और आकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहां एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ है। स्नो चीता उस आदमी से कहता है कि मास्टर मैं आ गया। हम देखते हैं कि वो आदमी भी अपने जादू के जरिए तैन और बाजिन की शादी को देख रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जीन है।
हाँ वही जीन जो कभी बाजिन के अंदर रहता था। हाँ अब जीन बाजिन से अलग हो चुका है और जीन अपने जादू से तैन और बाजिन की शादी को देख रहा था। जीन को बुरा तो लग रहा था, फिर भी अपने छोटों से तैन को खुश देखकर जीन अपने छोटों से तैन के लिए खुश था। जीन तब स्नो चीता से पूछने लगता है, स्नो चीता क्या लगता है तुम्हें आने वाले वक्त में मुझे क्या एक भी लोग याद रखेंगे, कहीं लोग मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। स्नो चीता कहता है कि नहीं मास्टर, आपको सारे लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर होता है तैन और बाजिन की कहानी का हैप्पी एंडिंग। अब मैं आप सबको जीन के बारे में बताऊंगी। सो असल में पाताल लोक में मास्टर होंग ने जिस आदमी के साये को देखा, जिसके कारण मास्टर होंग को हेवन जड़ी बूटी मिला, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जीन ही था। क्योंकि जीन को पता था कि जीन ने लाइलाइन के सिल के अंदर जो कारनामा किया, उसके बाद बाजिन का जान तो खतरे में पड़ी जाएगा और बाजिन को सिर्फ बचा सकता है हेवन जड़ी बूटी। और इससे और पहले जब तैन और बाजिन लाइलाइन के सिल के अंदर से एक साथ बाहर निकल रहे थे, उस समय जिस बंदे को दिखाया गया, जिसका कटखाटी थोड़ा बाजिन की तरह लग रहा था पर उसका शक्ल नहीं दिखाया गया था, और हमने देखा था कि वो बंदा दौड़ता हुआ लाइलाइन के सिल के अंदर चला जाता है, वो बंदा भी और कोई नहीं बल्कि जीन ही था। और हाँ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जब लाइलाइन के सिल के अंदर जीन जाग गया था और बाजीन ने अपना स्पिरिट रूट का आधा हिस्सा जहाँ राक्षसी ओड़ा है उसे काट कर खुद से अलग कर दिया था, उस समय जीन बाजीन के शरीर में कमजोर पड़ गया था, क्योंकि जीन राक्षसी ओड़े के बिना रह नहीं सकता। और जब तैन और बाजीन लाइलाइन के सिल के अंदर से बाहर निकल रहे थे, उस समय जीन ने बाजीन के शरीर को छोड़ दिया था, क्योंकि अब बाजिन के शरीर में तो कोई राक्षसी ओड़ा है नहीं और लाइलाइन के सिल के बाहर जिन को कोई राक्षसी ओड़ा मिलेगा नहीं और बिना राक्षसी ओड़े के जिन नहीं बच पाएगा। इसीलिए जिन तय करता है कि वो अब से पाताल लोक की लाइलाइन के सिल के अंदर ही रहेगा। और बाजिन और तैन जब लाइलाइन के सिल के अंदर से बाहर निकल रहे थे, उसी समय बाजिन को भी पता चल गया था कि जिन ने बाजिन के शरीर को छोड़ दिया है, इसीलिए बाजिन अपने अंदर जिन को और महसूस नहीं कर पा रहा था। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने बाजिन और तैन की कहानी शुरू से लेकर इतना तक देख लिया है, इसका मतलब आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आया होगा। और साथ में आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन भी जरूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। टिल देन स्टे विद मी एंड सी यू।